मेंशन है सेक्शन 23 ऑफ SRA। सेक्शन 23 डील करता है कि अगर आपने एक कॉन्ट्रैक्ट है, जब कॉन्ट्रैक्ट बना रहे थे तब आपने ये लिखा था कि अगर कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म नहीं होता तो इतना अमाउंट ऑफ डैमेजेस जो पार्टी इन डिफ़ॉल्ट है वो पे करेगी। तो जब ऐसी बात हुई तो आप जब उसके रिगार्डिंग स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए आपने कोर्ट में फाइल किया तो जो अपोजिट पार्टी है वो ये कहती है कि सर इस कॉन्ट्रैक्ट में ये मेंशन था कि इतना अमाउंट हम पे करेंगे अगर हमारी तरफ से कोई ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होता है। तो इट मीन्स हमने यहाँ पे लिक्विडेशन ऑफ डैमेजेस किया हुआ था, डैमेजेस डिसाइड कर रखे थे कि अगर कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच होता है तो इतने हम अमाउंट एज ए कंपनसेशन पे करेंगे। तो कोर्ट कहता है, फिर वो कहते हैं कि इसलिए सर इसमें स्पेसिफिक परफॉर्मेंस मत कीजिए, हम तैयार हैं इतना अमाउंट देने के लिए। तो कोर्ट इसमें देखता है, कोर्ट फिर क्या करेगा, उस कॉन्ट्रैक्ट के जो टर्म्स हैं और किन सर्कमस्टांसिस में वो कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म हुआ था उन दोनों को अच्छे से ध्यान से देखेगा। और फिर वो देखेगा कि अगर यहाँ पर सिर्फ ये जो अमाउंट मेंशन किया था एज ए पेनल्टी वो सिर्फ इसलिए था कि अपोजिट पार्टी के ऊपर एक प्रेशर बनाया जाए कि वो कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करें, मींस यहाँ पे हमने कंपनसेशन पे करना एज ए अल्टरनेटिव नहीं रखा था, हमने यहाँ पे उसके ऊपर प्रेशर डालने के लिए हमने ये पॉइंट डाला था उसके अंदर। तो कोर्ट फिर ऐसे केसेस में, अगर कोर्ट को लगता है, नेचुरली हमें पता है कि कोर्ट की ये जो पावर है वो डिस्क्रिशनरी पावर है, तो कोर्ट इंस्पाइट की कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ है इंस्पाइट ऑफ दिस की पेनल्टी पे हो सकती है, कोर्ट स्पेसिफिक परफॉर्मेंस की डायरेक्शंस दे सकता है। पर हाँ, जब अगर कोर्ट स्पेसिफिक परफॉर्मेंस करवा रहा है तो इट मीन्स फिर कोर्ट यहाँ पे वो जो लिक्विडेटेड डैमेजेस हैं वो पे करने की बात नहीं करेगा। तो ये हमारा सेक्शन 23 कहता है। फिर सेक्शन 24 है। सेक्शन 24 कहता है कि अगर मान लीजिए कोई सूट है, वो सूट ही डिसमिस हो जाता है, अगर आपने स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का कोई सूट डाला था और वो सूट ही डिसमिस हो जाता है, तो नेचुरली फिर जो अल्टरनेट आपने बातें करी थी कि कंपनसेशन मिलेगा, सेक्शन कंपनसेशन के बारे में आपने सेक्शन 21 में, सेक्शन 22 में आपने पार्टीशन पोजेशन वगैरह की बात की थी, तो कोर्ट कहता है फिर जब स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का ही दावा आपका ख़त्म हो गया तो इन रिलीफ्स को आप कैसे दें, क्योंकि ये रिलीफ्स तो उसके साथ इन एडिशन टू थे, ना कि उसके अल्टरनेट थे। यानी कि अल्टरनेटिव होने में तो कोर्ट सोच सकता है, पर इन एडिशन थे, तो इन एडिशन में जब मेन आपका केस ही खत्म हो गया तो सेकेंडरी बातें तो कुछ रहती नहीं है। उसके बाद सेक्शन 25 आता है। 25 ये कहता है कि जो आपका स्पेसिफिक परफॉर्मेंस है वो आप किसी अवार्ड को या किसी टेस्टामेंट्री डायरेक्शंस को में आपने, जैसे टेस्टामेंट अवार्ड मीन्स जैसे आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सिलेशन एक्ट है, अगर उसके अंदर कोई अवार्ड डिक्लेयर हो रहा है तो आप उसके रिगार्डिंग कोई स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं करवा सकते। क्यों? क्योंकि वो जो एक्ट है वो अपने आप में ही कंप्लीट है, उसके अंदर स्पेसिफिक प्रोविजंस डली हुई हैं स्पेसिफिक परफॉर्मेंस करवाने की। और सेकंड आपके पास है यहाँ पर कि अगर आपकी कोई टेस्टामेंट्री डायरेक्शंस हैं, कोई बिल है, कोई कोडिसिल है, उसके अंदर आपने कोई सेटलमेंट है उसको एग्जीक्यूट करवाने के लिए आप स्पेसिफिक परफॉर्मेंस की हेल्प ले सकते हैं।